I joined JNU in 2000 and I started my... Yeah, we all are... 2003, I have completed my graduation in Japanese and during 2003, I enjoyed a lot with you and I think even today, I'm trying to keep in touch with you all people. Today I enjoyed a lot. Me and Subrata decided to organize a reunion of our classmates. And it's good that we all of are here and some of our friends are not present today. It's good. Unfortunately, I think they not enjoyed, but. Now I am working with Daikin. बहुत बहुत बार बोल दिए इतना Daikin का वो promo मत करो. Basically there I am looking after HR my and GM and also I am looking after the project and I am enjoying over there. But and future final. Plan I am. I will start my business. Oh, still I have not decided what I am going to start. We partner with you. Soon I will start something. That's all. मैं गाना चलाऊंगा एडिटिंग के टाइम पे इसके हैंडी कैम लाल 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 स्टार्ट तो करो क्या ऑलमोस्ट जो अनुभूति ने बोला वही सेम है 2003 में ग्रेजुएट करने के बाद एमए में ज्वाइन किया फिर एक साल जापान में नागोया में खूब मस्ती की फिर वापस आके एमए खत्म किया अब एमफिल में हूँ एमफिल सेकेंड सेमेस्टर बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं सेमेस्टर में भी नहीं करी थी एमफिल में पढ़ाई नहीं होती पहले पिछले साल तुम्हें क्या पता बहुत सारी जैपरॉग वगैरह में पढ़ा रहे थे बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था अभी वो सब छोड़ के सिर्फ जेएनयू में पढ़ा रहे हैं और ट्वेल्थ को हमारा इंटरव्यू है देखते हैं कोई एक बंदा फंस जाएगा जेएनयू में असिस्टेंट प्रोफेसर बंदी और क्या बस तो सीनियर मोमू शो हाँ अगर जॉब नहीं होता है तो सीने मोमू शो से अगले साल जॉब नहीं होता है ना मतलब जॉब नहीं अबे यार मतलब मजा एक जैसे क्या है क्यों नहीं मिलेगा भाई क्यों नहीं मिलेगा दो है एक टाइम जिसको बाकी तो सीने मोमू शो पे जाएंगे और क्या आज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा यहाँ आके क्या आप लोग यहाँ आए बहुत अच्छा लगा अनुभूति एंड निशा आई वाज आल्सो इन नागोया यूनिवर्सिटी आई डिड दैट वन ईयर कोर्स वापस आने के बाद एमए किया इंसिडेंटली वो एमए करते वक्त मोतवानी सेंसेई के साथ थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन वगैरह कर रहा था सो आई जस्ट डिसाइडेड कि आफ्टर एमए आई वांटेड अ चेंज जेएनयू में बहुत अच्छा लग रहा था जेएनयू में बहुत अच्छा लग रहा था 2003 या 4 या 5 में क्या क्या ये नहीं मैं बताऊंगा क्योंकि कुछ चीज़ें जो मैं भूलना चाहता हूँ इसलिए मैं अभी से शुरू करूँ तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ अभी एक लाइन में मैं बोलूँ तभी मैं जेएनयू में हिंदी पढ़ रहा हूँ 2004 में मैंने एमए क्विट किया कैट दिया दो बार हम लोग क्वालिफाइड फॉर आईएमआई फॉर केजी सोमैया वेमिनकर एलबीएसआई एम जो जो शादी शुदा है वहाँ महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में एमए किया 30 तारीख में उसके बाद फिर से 2005 में वापस कैंपस आया कैंपस तो इतना जल्दी छूटता नहीं है तो अभी मैं एमफिल में हूँ जुलाई में एमफिल जमा कर रहा हूँ डिसावलमेंट स्टडीज करके एक सेंटर है एसआईएस में उसमें उसके बाद पीएचडी करना है और कुछ लिखाई पढ़ाई से संबंधित कहीं कुछ काम मिल जाए अभी जो काम कर रहा हूँ फिलहाल से ही कर रहा हूँ इधर उधर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें थोड़ा पीछे नहीं जाना टू स्टार्ट विद आई लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू ओह ये तो मेरा फॉर्मल है सीरियसली एट टाइम्स इट्स नेसेसरी टू गेट फ्रॉम लाइक यू बट देन समवेयर डीप डाउन द हर्ट आई बिलीव It's been 3 years. We didn't let 5 years supposed to be. This concern, पिछले 4 साल से I worked there as a process leader for insurance policies. A team called Group NUT. Future plans, I'm not too sure about. Let's see, I have